ये एक और हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको, अपना स्टीरियो माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर 2x 4x का ऑब्जेक्टिव है और मैग्निफिकेशन 20x एंड 40x है। इसमें 10x का आईपीस है, लो मैग्निफिकेशन की होती है। ये डिसेक्शन करने के लिए, इंसेक्ट स्टडी करने के लिए, फ्लावर और पोलन ग्रेन और प्लांट्स के लीव से स्टडी करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं है ये, मेगा व्यू है, वाइड व्यू है, क्योंकि 20x बहुत कम मैग्निफिकेशन होती है। इसमें बड़ा आसान है, जब आपके पास आईपीस आएगी तो यहाँ ये कवर हुए भी होंगे। इसमें जो इमेज है हमारे पास एक प्रिज्म से होकर के ऐसे जाता है कि जो रे ऑफ लाइट नीचे से आ रही है वो आपकी यहाँ से दिखती है, और आपको ये इसके अंदर दो लाइटें हैं, कि बॉटम की लाइट है और एक ये टॉप लाइट है। टॉप लाइट का मतलब ये इस समय ऊपर से पड़ रही है ये, और जिसकी एडजस्टमेंट आप यहाँ से एंगल से कर सकते हो, यहाँ से ये एडजस्टमेंट आपके पास, यहाँ से एडजस्टमेंट है कि आप कोई स्पेसिमन के ऊपर जहाँ चाहो वहाँ आप डाल सकते हो। इसके लिए एक प्लेट भी आती है, जो आप ओपेक सैंपल स्टडी करना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो, वाइट के ऊपर या ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ से। और ये इसके क्लिप्स हैं, स्टेज क्लिप्स, दो क्लिप्स हैं, दोनों क्लिप्स हो सकते हैं। फोकसिंग यहाँ से आप करते हो ऑब्जेक्टिव से। अब इसमें ड्यूअल सिस्टम है, हमारे पास वेरिएशन है, एलईडी लाइट है, बॉटम लाइट, फ्रंट बंद, बॉटम ओनली, ये आपको बॉटम दिख रही है, बॉटम बंद कर दें, टॉप देख सकते हो, टॉप बंद कर दें, दोनों भी आप चला सकते हो सैंपल यूज़ करने के लिए। और एक इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ से आपने यहाँ से देखा इसको, आपको यहाँ से कर सकते हो, और सेकंड में आप इसको दोबारा खोल के आप बैक व्यू से कर सकते हो, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, या आप इसको सेकंड साइड से, उस साइड से यूज़ कर सकते हो इस व्यू में। जनरली लोग आजकल मैक्सिमम इस फ्रंट व्यू से यूज़ करना चाहते हैं। अब फोकस करने के लिए सबसे पहले इससे फोकस करेंगे सैंपल को, और यहाँ से इस आई से सैंपल से फोकस करेंगे। सेकंड ये हम जीरो उससे में रखते हैं। अब जब ये फोकस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, पर अगर आपकी आई में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो इसको एडजस्ट करते हैं। डायप्टर एडजस्टमेंट इसमें अवेलेबल है, रैक एंड पिनियन ब्रास के हैं, बहुत हाई क्वालिटी है और स्टेबल डाईकास्ट बॉडी है। इसमें हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी की अवेलेबल है। मैं आपको एक सैंपल फोकस करके दिखाता हूँ इस समय कैसे सैंपल दिखाई देता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से चेंज होता है, ये 2x है और ये 4x है। आपको 2x के ऊपर मैग्निफिकेशन करके दिखा रहा हूँ मैं, अभी आपको एक करके दिखाता हूँ अभी कैसे दिखाई देगा, ये आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर से व्यू। आप चेंज करो इसका, 2x 4x को चेंज करो नीचे से, ये देखिए चेंज, और घुमाओ और घुमा दो, ये मैग्निफिकेशन हायर पे चले गए। अब आप तो इसमें दो ऑब्जेक्शन है, ये यहाँ से चेंज करेंगे तो एक आ जाएगा और दूसरे को करेंगे तो यहाँ से सेकंड वाला फोकसिंग आ जाती है। तो आपको ये व्यू है इस समय, और विजिट करिए हमारी वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, abron01@gmail.com मैसेज भेजिए, बाय करना हमसे आप बाय कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। वी अबाउट वेरी डिटेल, ये डिस्काउंट्स विद द कवर, डस्ट कवर एंड एवरीथिंग, एंड वेरी स्टेबल एंड वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड टरंट माइक्रोस्कोप, टरंट टाइप, इस मूवेबल टरंट। अनदर कम्स विद अ स्लाइडिंग ऑब्जेक्टिव वेयर इट मूव्स फ्रंट एंड बैक, देन देर आर अदर मॉडल ऑल्सो विद अ पिलर एंड विदाउट पिलर, एंड जूम माइक्रोस्कोप्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद अस। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट एंड सेंड योर मैसेज। थैंक यू वेरी मच।